आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग बात करेंगे परसेंटेज कैलकुलेशन की, कि परसेंटेज कैलकुलेशन हम लोग मूल कंसेप्ट के अंदर कैसे हैंडल करेंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि जो ये परसेंटेज है वो कैसे बना हुआ है, ये बेसिकली 100 से बना हुआ है, ऐसे इस नंबर से बना हुआ है। ये जो आपको 1 दिख रहा है ये 1 ऐसे लिखा गया है और ये 2 जीरो जो है ना वो ऐसे लिखे गए। तो 100 का मतलब है, जब भी आपसे परसेंटेज के बारे में कोई पूछेगा कि व्हाट इज परसेंटेज, तो आप उससे बोलेंगे वर्क विद रिस्पेक्ट टू 100 के रिस्पेक्ट में काम करना जो होता है वो क्या कहलाता है, वो परसेंटेज कहलाता है। ओके, तो परसेंटेज का मतलब है कि हमें, हमारे पास क्वांटिटी 100 हो या ना हो, हमें 100 के रिस्पेक्ट में क्या करना होता है, वो काम करना होता है। ऐसे ही क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फ्रैक्शन की, ये भी हमें यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन में ले आना चाहिए। तो जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, उसका मतलब होता है वर्क विद रिस्पेक्ट टू 1 के रिस्पेक्ट में काम करना जो होता है वो क्या कहलाता है, वो फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, तो यही है परसेंटेज का मतलब विद रिस्पेक्ट टू 100 काम करना, और फ्रैक्शन का मतलब विद रिस्पेक्ट टू जो है ना वो 1 काम करना है। लेट्स से आपका 500 मार्क्स का जो पेपर होता है, ठीक है, और इस 500 मार्क्स के जो पेपर में अगर आपने मान लो 300 मार्क्स गेन किए, ओके, तो परसेंटेज निकालते, तो परसेंटेज निकालने तरीका क्या, आप कहोगे कि 500 मार्क्स के टोटल पेपर में 300 मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, तो सबसे पहले आप 1 के रिस्पेक्ट में जाते हो, है ना, मतलब पहले आप फ्रैक्शन में काम करते हो, रिस्पेक्ट टू 1 काम करते हो। तो 1 के रिस्पेक्ट में जब जाओगे तो ये जो डेटा है ये नीचे यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 300 अपॉन क्या हो जाएगा 500, देन मेकअप 3/5। ओके, उसके बाद जब आप 1 के रिस्पेक्ट में काम कर लेते हो, मतलब फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में 1 के रिस्पेक्ट में जब काम कर लोगे, तो फिर आप काम करते हो 100 के रिस्पेक्ट में। तो जब 100 में देखते हो तो 3/5 × 100 हो जाएगा इस तरीके से। ओके, तो ये आपका जो वैल्यू है वो 60% मार्क्स का आ जाता है। तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये रहता है कि पेपर आपका 500 मार्क्स का था जो कि 100 मार्क्स का नहीं था, आपके जो मार्क्स आए वो भी 100 नहीं आए, वो भी कितने आए, वो 300 आए। तो दोनों चीजें, क्योंकि 100 मार्क्स की नहीं, दोनों ही 100 का नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमने किसके रिस्पेक्ट में काम किया, 100 के रिस्पेक्ट में जब काम किया, तो हम बोलते हैं कि वो क्या निकल के आ गया, वो परसेंटेज निकल के आ गया। ठीक है, इस तरीके से। तो यही चीजें जो है ना वो हम लोग अपने मूल कंसेप्ट के क्वेश्चंस में करेंगे। तो लेट्स से हमने एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल हम लोग अमोनिया का लेते हैं। सो अमोनिया पार्टी के लिए है, और अब आपसे मैं पूछता हूं कि इसमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बताओ। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का मतलब हुआ, मतलब मैं मास परसेंट पूछ रहा हूं, तो जब आप इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो आप ये कहेंगे कि उसमें नाइट्रोजन 14 ग्राम है और H 3 ग्राम है, तो टोटल जो मिलेगा वो 17 ग्राम मिलेगा। तो आप ये परसेंटेज ऑफ H कैलकुलेट करने का तरीका आप क्या हमें बता सकते हैं कि जो टोटल 17 ग्राम अमोनिया जो 1 मोल था उसमें H एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है, 3 ग्राम। तो फिर आप इसमें 1 ग्राम के रिस्पेक्ट में जाएंगे तो ये क्या होगा, 3/17 ये हो जाएगा, इतना ग्राम आ जाएगा 1 के रिस्पेक्ट में। जब आप 1 के रिस्पेक्ट में चले गए, जो चीज 1 के रिस्पेक्ट में आ जाती है तो 100 के रिस्पेक्ट में उसको कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। तो 100 के रिस्पेक्ट में आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 3/17 × क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से परसेंटेज कैलकुलेट किया जा सकता है। नाउ इसी पर हम लोग अब डिस्कशन कर रहे हैं, हम लोग एक फार्मूला बना लेते हैं, और वो फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला रहेगा आपके लिए। तो उस फार्मूले को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट जो होगा किसी भी एलिमेंट का, जब आप परसेंटेज निकालेंगे तो उसमें क्या कीजिएगा, उसमें एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट आएगा, ऊपर में नंबर ऑफ एलिमेंट आएगा, कितने एलिमेंट्स के नंबर है, उसके बाद क्या करना, उसमें ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देना, ग्राम एटॉमिक मास के उससे मल्टीप्लाई कर देना। डिनोमिनेटर में क्या करिएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास रखिएगा और इनटू 100 कर दीजिएगा। ये एक फार्मूला है जो आपको परसेंटेज के सभी क्वेश्चंस में लगने वाला है और बहुत यूजफुल फार्मूला है। क्या हम इसको यहां लगा सकते हैं अमोनिया वाले केस में, जरा देखें। तो अगर इस फार्मूले से हाइड्रोजन का परसेंटेज कैलकुलेट करते हो, अमोनिया का फार्मूला तुम्हें बताता है कि एच एटम का नंबर कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है,
कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट, तो एलिमेंट तो भाई 3 दिख रहे हैं, फिर क्या होगा ग्राम एटॉमिक मास, तो एच एटम का ग्राम एटॉमिक मास कितना है 1 ग्राम, डिवाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो अमोनिया का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 17 ग्राम आया था, ये जो कैलकुलेट किया था, इनटू 100 करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कितना निकल के आ जाएगा 3/17 × 100, तो ये वैल्यू निकल के आ रही जो कि यहां पर भी निकल के आ रही थी, तो ये फॉर्मूला ठीक बैठ रहा है इस तरीके से, है ना। इसी तरीके से अगर आप परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो अमोनिया में नाइट्रोजन के एटम कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या होगा ये 1 × 14 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 17 × 100 हो जाएगा, तो ये इस तरीके से ये आ जाता है, ठीक है ये हो जाएगा। तो अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं तो आप लोग एक क्वेश्चन करोगे और वो क्वेश्चन है फाइंड परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन Fe2SO4 होल थ्राइस। ये कंपाउंड में दिया है Fe2SO4 होल थ्राइस, जिसमें आपको परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट पता करना, हर एक एलिमेंट का परसेंटेज मालूम करना है। तो सबसे पहला काम जो इस को करने के लिए होगा वो ये होगा कि सबसे पहले आप इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास बनाएंगे इस कंपाउंड का। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे बनेगा, यहाँ पर Fe के कितने एटम है, 2 एटम है, तो ये हो जाएगा 2 × 56 इसका ग्राम एटॉमिक मास होता है। सल्फर कितने एटम दिखाई दे रहे हैं, जो होल थ्राइस दिख रहा है तो इसके हिसाब से सल्फर 3 एटम दिखाई दे रहे हैं, तो 3 × क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। ओके ऑक्सीजन एटम कितने दिखाई दे रहे हैं, 12 दिखाई दे रहे हैं, तो 12 × क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो आपको 400 ग्राम पर मोल जो है ना वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास मिल जाता है। ओके नाउ अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट वाला उसको जरा अप्लाई करके देखिए और आपको फटाफट जो है ना वो आंसर मिलने लगेंगे, है ना। तो परसेंटेज का मतलब अभी हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है इन रिस्पेक्ट टू 100 काम करना, और उसमें क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का तरीका जो है के लिए मैंने क्या किया है ये फॉर्मूला आपको दिया है। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, तो हम लोग पहला एलिमेंट लेते हैं कौन सा Fe, और Fe का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो Fe एटम कितने दिखाई दे रहे हैं इस फॉर्मूले में, Fe एटम दिखाई दे रहे हैं 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए 2 × ग्राम एटॉमिक मास कितना 56, ठीक है ग्राम, डिवाइड बाय मोलर मास कितना ग्राम मोलर मास 400 ग्राम × 100 कर लीजिए, ठीक है। तो ये 100 से खत्म हो जाएगा, ये खत्म हुआ 2 से, ये 2 खत्म हुआ, ये डिवाइड करेंगे तो ये 28% दिखाई दे रहा है आपको, 28% Fe आ जाएगा। नाउ अगर हमें परसेंटेज ऑफ S पता करना है ना, तो परसेंटेज ऑफ S अगर पता करना है तो सल्फर का कितना परसेंटेज दिख रहा है, उसमें एटम दिख रहा है 3 दिख रहा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इस फॉर्मूले के हिसाब से कितने 3 हो जाएंगे, और इनटू ग्राम एटॉमिक मास कितना है सल्फर का 32, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 400 × 100 हो जाएगा। तो जब आप इसमें करोगे इस तरीके से तो ये आपको कितना दिखाई देगा, ये 24% यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नाउ अगर हमें परसेंटेज ऑफ ओ एटम पता करना है, तो परसेंटेज ऑफ ओ एटम पता करने के लिए नंबर ऑफ ओ एटम कितने दिखाई दे रहे हैं, 12 दिखाई दे रहे हैं, उसमें इनटू 16 करोगे, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है ये जो 4 है और ये 3 है तो ये मल्टीप्लाई होकर 12 ओ एटम आपको दे देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा इनटू 400 होगा, तो ये 100 आ जाएगा, ये डिवाइड ऐसे करके इसको डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाता है ये 48% आ जाता है। इस तरीके से क्या होगा ये 28% है, ये 24% है, ये 48% है। आप इन तीनों का समेशन करोगे तो आप इन तीनों के जब समेशन करोगे तो अपने आप ही 100 आपको बचा आ जाएगा। इस तरीके से परसेंटेज जो है ना वो कैलकुलेशन सक्सेसफुली आप इस फॉर्मूले का यूज करके कर सकते हो। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट और पढ़ते हैं इसी वाले पार्ट पर, और वो होता है, वो हेडिंग है आपके लिए, वो है मिनिमम मॉलिकुलर मास का कंसेप्ट, मिनिमम मॉलिकुलर मास कैलकुलेशन, ये हेडिंग आप लिख सकते हो मिनिमम मॉलिकुलर मास कैलकुलेशन तक करने के लिए। इसको भी सीखने का क्या तरीका है, इसको भी सीखने के लिए हम लोग क्या करते हैं एक न्यूमेरिकल लिखते हैं, और वो न्यूमेरिकल है फाइंड मिनिमम मॉलिक्यूलर
मास ऑफ अ कंपाउंड हैविंग 8% सल्फर एटम। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आपके पास, उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि आपको क्या पता करना है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पता करना है और एक परसेंटेज का जो डेटा है वो आपके सामने अवेलेबल होगा। तो इसमें मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इस क्वेश्चन में पता करना है कंपाउंड का, और क्या पता करना, एक इंफॉर्मेशन है कि कंपाउंड में 8% सल्फर एटम है। तो हम लोग फिर से यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हमें परसेंटेज ऑफ एलिमेंट पता है, इसकी जगह पे क्या लिखोगे, 8% लिख देना इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट। यहाँ कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि सल्फर के कितने एटम्स हैं, तो आप क्या करो, अभी एक्स मान लेते हैं। सल्फर का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, 32 ग्राम होता है, वो आप यहाँ पुट कर दो। ग्राम मॉलिक्यूलर मास आपको पता करना है, फाइंड मिनिमम ग्राम मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का मतलब आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास ही मालूम करना है। तो यहां पर आप कितना पुट कर दो, एम सिंबल पुट कर दो और इनटू 100 कर दो। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि दो अननोन हो गए, एक तो जो एक्स है वो अननोन है और एक जो एम है वो अननोन है। तो एक इक्वेशन से दो अननोन सॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब है आपको ये तो कैलकुलेट करना ही करना है, इसका मतलब कि यहाँ पे कोई ना कोई कंसेप्ट लग रहा है। और एक्स क्या था, एक्स था नंबर ऑफ एलिमेंट था। तो क्या करना, आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि पुट एक्स इक्वल टू 1 फॉर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड के मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के लिए क्या करोगे कि एक्स की वैल्यू पुट करोगे, एक्स वैल्यू 1 पुट करोगे, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने मानोगे, 1 मानोगे। मतलब जो सल्फर एटम कंपाउंड में माना जाएगा वो कितने माने जाएंगे, वो एक ही माना जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर एक से ज्यादा अगर आपने मान लिए तो मॉलिक्यूलर मास जो कंपाउंड का है वो क्या होगा, वो बढ़ेगा, क्योंकि एक एलिमेंट जो है ना सल्फर का वो 32 के बराबर कंट्रीब्यूट करेगा, दो जो होंगे 64 के बराबर कंट्रीब्यूट करेंगे। तो आप नहीं चाहोगे कि दो सल्फर एटम आप मानो, क्योंकि उससे मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये मिनिमम वाली कंडीशन जो है ना वो ठीक नहीं बैठेगी, इसीलिए आपको एक ही सल्फर एटम का एटम मानना है कंपाउंड के अंदर, जिससे कि आपको मिनिमम मॉलिक्यूलर मास मिले विद रिस्पेक्ट टू सल्फर एटम। तो यहाँ पे क्या करना, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का क्वेश्चन आता है, तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट कितने मानने हैं, जिसका भी परसेंटेज आप यहाँ पे रख रहे हो उस एलिमेंट का, उस एलिमेंट का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना मानोगे, वो 1 मानना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर आप 1 पुट कर दीजिए, यहाँ पे 1 इंटू 32 डिवाइड बाई एम इंटू 100 होगा, इसको आप यहाँ पे कैंसिल कर लो, तो जो एम की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो 400 ग्राम पर मोल आ जाएगी। इस तरीके से मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन यहाँ पर होता है। समटाइम स्टूडेंट आस्क की सर सल्फर तो आपने एक ही माना था, उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे कैसे आ गया, तो यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, अगर आपने 1 सल्फर एटम माना है तो उसमें वो 32 ग्राम सल्फर एटम अकेला कंट्रीब्यूट करेगा, बाकी जो भी मास आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो जो भी मास आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 368 ग्राम जो एक्स्ट्रा मास आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो 368 ग्राम जो है ना वो दूसरे एलिमेंट का मास होगा। सल्फर के रिस्पेक्ट में अगर आप काम करोगे तो 1 के रिस्पेक्ट में काम करोगे, सल्फर एटम आपको 1 मानना है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो 400 आएगा। तो इस तरीके से परसेंटेज का जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं।